अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी के बेटे सल्तनत उस्मानिया के पहले वजीर आजम अलादीन पाशा के ख़ानदान के बारे में जानेंगे कि अलादीन पाशा के ख़ानदान को लेकर तारीख क्या कहती है, और फिर बात करेंगे तुर्की में बनने वाली हालिया तारीखी सीरीज कोरिश उस्मान में अलादीन पाशा के ख़ानदान की कहानी नाज़रीन को क्या दिखाई जाने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इस वक्त मुझे आपकी सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अलादीन पाशा की पैदाइश 1289 में सोगुत में हुई। आपके वालिद उस्मान गाजी और वालिदा राबिया बाला खातून थीं। आप मशहूर तुर्क सरदार अरतुगरुल गाजी के पोते और एक अजीम सूफी बुजुर्ग शेख एदाबाली के नवासे थे। अगर हम अलादीन पाशा की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जानना चाहें और तारीख का मुताला करें, तो इस बारे में हमें तारीख खामोश नज़र आती है। अलादीन पाशा की जोजा कौन थी, उनका नाम क्या था, इस किस्म का कोई भी जवाब हमें तारीख से नहीं मिलता। लेकिन अगर हम बुरसा फाउंडेशन की एक ख़ास लैंड रजिस्ट्री बुक को पढ़ें, तो इस बुक में हमें अलादीन पाशा के पोते पोतियों के नाम मिलते हैं। यानी इससे साफ वाजिया है कि अलादीन पाशा की शादी हुई थी, और उस वक्त यानी उस्मान गाजी के दौरे हुकूमत में अलादीन पाशा भी एक सरदार थे। यानी तुर्क सरदार के लिए उस वक्त किसी दूसरे कबीले की सरदारजादी का ही इंतखाब किया जाता था। यानी अलादीन पाशा की जोजा भी किसी ख़ास मनसब की ही हामिल होंगी, और शादी के बाद तारीख के मुताबिक अलादीन पाशा के यहाँ औलाद भी हुई, मगर कितनी औलादें हुई ये वाजिया नहीं है। हाँ, मगर एक बेटे खलीज बे का जिक्र तारीख़ी किताबों में वाजिया तौर पर मिलता है, और एक बेटी आयशा खातून को भी तारीख़ी तौर पर तस्लीम किया जाता है। अगर हम कुर्रश उस्मान के सीज़न 5 की बात करें, तो यह वाजिया है कि गर्मियान कबीले की सरदारजादी गुंजा खातून, जो कि अलादीन बे के शायान शान है, अलादीन बे की जोजा का किरदार अदा करेंगी। और वाजिया है कि हमें औरहान गाजी पर बनने वाली तारीखी सीरीज़ में अलादीन बे के बच्चों के किरदार भी देखने को मिले, जिनमें एक बेटा खलीज बे तो लाजमी तौर पर शामिल होगा, और शायद एक बेटी आयशा खातून का जिक्र भी हमें औरहान पर बनने वाली सीरीज़ में मिले। अगर आपके पास अलादीन पाशा के ख़ानदान को लेकर कोई और मालूमात हो, तो आप हमें कमेंट में लाजमी बताना। शुक्रिया।